हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ट्रेड विद प्राइड। ये वीडियो होगा फुल्ली लाइक इलेक्शन पर्पस के लिए। इसमें कोई ना ग्लोबल मार्केट का कुछ होगा, ना यूएस में बैंकिंग क्राइसिस, कुछ भी हम लोग डिस्कस नहीं करेंगे। हम लोग नॉर्मली इलेक्शन के लिए क्या इंपैक्ट आ सकता है मार्केट में, हम लोग को क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, बाकी चीज़ हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। अभी इलेक्शन वीक के लिए इलेक्शन के बारे में बात करेंगे हम लोग, ठीक है। तो अभी इस वीडियो में हम लोग कुछ पॉइंट्स कवर करेंगे। FII डेटा जो बहुत एक मार्केट में चल रहा है, FII का डेटा हमेशा चलता है। BJP अगर 300 प्लस सीट आया तो क्या होगा, BJP जस्ट ऐसा 272 सीट आया तो क्या होगा, NDA जीता तो क्या होगा, इंडिया जीता तो क्या होगा। मेरा ओपिनियन दूंगा, माय टेक, जो मेरा टेक रहेगा, और व्हाट शुड वी डू, हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको लेकर हम लोग बात करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं FII डेटा को। FII डेटा एक लाइक मार्केट में बहुत ही ज़्यादा हवा मच रहा है कि FII डेटा ऐसा है, बहुत बेरिश है, बहुत कुछ है, ठीक है। ये एक तरह का मैनिपुलेशन है, मैनिपुलेशन इन द सेंस आपको लोग भी मैनिपुलेशन कर रहा है, FII भी मैनिपुलेशन कर रहा है। FII मैनिपुलेशन कैसे कर रहा है, आपको डेटा प्रॉपर नहीं बता रहा, आपको बता रहा है कि अगर कोई बता भी रहा है वो प्रॉपर नहीं बता रहा है। मान लो FII अभी इंडेक्स फ्यूचर में शॉर्ट है ऑलमोस्ट लाइक 3 लाख के आसपास, 3,18,000 कॉन्ट्रैक्ट के आसपास FII शॉर्ट इंडेक्स में। FII जो फ्यूचर्स में जो लॉन्ग है वो कौन बताएगा, फ्यूचर्स में लॉन्ग है ऑलमोस्ट आपका 4,93,000 या 95,000 कॉन्ट्रैक्ट्स में, और आपका अगर इंडेक्स में लॉन्ग शॉर्ट है, अगर उस शॉर्ट में आप पकड़ो, मतलब एक कॉन्ट्रैक्ट में 7-8 लाख का वैल्यू होता है जो भी है, ठीक है, या फिर अगर आप पर क्वांटिटी पकड़ो, फिर भी जो भी होता है, अब जो फ्यूचर में जो स्टॉक्स में शॉर्ट है, लॉन्ग है सॉरी, तो उसमें तो आपका वो कैलकुलेशन तो उससे ज़्यादा बैठ रहा है, और आपका कॉल पुट दोनों सेल करके गया है। क्यों गया, क्यों, बहुत हाई प्रीमियम में कहीं ना कहीं मार्केट को रोक देगा, हो गया उन लोगों का, हो जाएगा। लेकिन आपका जो हवा मच रहा है ना कि शॉर्ट है, बहुत ज़्यादा ये सब कर रहा है, हाँ हो सकता है, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जो आपको रिलाय खाली FII डेटा पे ही नहीं करना, आपको चार्ट देखना, सब कुछ देखना है, उसके बाद आप FII डेटा पे जाओ। ये अब बहुत लास्ट में रखो इसको, आप पहले में नहीं मत रखो। मैं कभी भी अपने वीडियो में FII ये किया, FII वो किया, कभी नहीं बताता हूँ। क्यों नहीं बताता हूँ, मैं हमेशा हर रोज़ भाव को भी देखता हूँ, ऐसा नहीं है, मेरे पास पूरा एक्सेल शीट बना हुआ है भाव कॉपी का, हमेशा उसको मैं मतलब लगा के देखता हूँ क्या है, क्या FII का पोजीशन क्या है, प्रो का पोजीशनिंग क्या है, रिटेलर का पोजीशन क्या है, मैं देखता हूँ। लेकिन मैं इस पर बहुत रिलाय कर लाइक वो नहीं है, ठीक है। ये तो एक पहला सबसे बड़ा पॉइंट ये रहा FII डेटा, ये जस्ट आप एकदम लास्ट में देखो, आप देख के रखो, तो चार्ट के साथ मैच होता है, आप इसके लिए आप ट्रेड मत करो कि FII बेयरिश है तो मैं भी बेयरिश हो जाऊंगा, FII बुलिश है तो मैं भी, और अगर आपको होना भी है तो आप पूरा डेटा को पूरा अच्छे से रीड करो, पूरा अच्छे से रीड करो। अभी जो मुझे लग रहा है, मुझे लग रहा है कि मंडे के दिन हो सकता है मार्केट में फ्लैट ओपन हो, या थोड़ा सा गैप अप हो, या थोड़ा गैप डाउन हो, मेजर मूव मुझे फिलहाल नहीं लग रहा है, मेरा टेक है ये। अगर मैं पूरा खाली FII डेटा को ही बेस करूंगा, क्योंकि FII ने अच्छा खासा कॉल पुट शॉर्ट करके गया है, तो इसमें मतलब मुझे नहीं लग रहा ज़्यादा कुछ वायलेंट मूव होगा, और अगर इंडेक्स में शॉर्ट भी है तो स्टॉक्स में लॉन्ग है, तो इसलिए मुझे लगता है कि ये शायद न्यूट्रल टाइप का होगा, या फिर 1-2% ऊपर नीचे होगा, लेकिन बहुत बड़ा मूव आ जाएगा मतलब मुझे नहीं लगता मंडे के दिन बहुत बड़ा मूव, अरे एटलीस्ट लाइक गैप डाउन गैप अप में, ठीक है, ये बहुत बड़ा मूव आ जाएगा मुझे नहीं लगता। हाँ हो सकता है ओपन होने के बाद मूव आए, वो हो सकता है, लेकिन गैप अप गैप डाउन में मुझे नहीं लगता इतना वायलेंट मूव होगा। ये पहला टेक है, पहला जो पॉइंट है हम लोग ने ये कवर कर लिया, ये वाला इसमें मत ज़्यादा मत जाया करो, ठीक है। और अगर अभी इलेक्शन पे आते हैं, BJP 300 प्लस होने से क्या होगा, ठीक है, BJP अगर 300 प्लस होता है, BJP जस्ट 272 होता है, NDA अगर से जीतता है, NDA मतलब BJP को 252 के नीचे सीट मिला, देन NDA को लेकर गठबंधन का जो NDA अलायंस है उसको जो है वो सरकार बनाया, तब क्या होगा। और अगर ये तीनों फेल हो जाता है, ये तीनों अगर फेल हो जाता है, देन अगर सिर्फ इंडिया जीतता है, इंडिया अलायंस अगर जीत जाता है तो क्या होगा। इस चारों पॉइंट को हम लोग एक साथ कवर करेंगे और एक एक को पूरा समझेंगे, ठीक है, और हम लोग बात करेंगे कि हम लोग क्या कर सकते हैं और मार्केट क्या करता है नॉर्मली, वो भी बात करेंगे, और क्या क्या हो सकता है वो भी बात करेंगे। तो देखते पहले बैंक निफ्टी देखते हैं, ठीक है, मैंने पूरा बना के रखा आप लोगों के लिए एकदम इजी वे पे। अगर BJP 300 प्लस होता है तो, अगर BJP 300 प्लस होता है, देखो मुझे लगता है कि मार्केट एक बार के लिए
थोड़ा अप जाएगा, ये वाला जोन जो है, ये वाला जोन से एक रिट्रेस हो सकता है, रिट्रेस होके यहाँ तक तो आना है। मतलब ये बस इलेक्शन पर्पज के लिए मैं पहले बोल रहा हूँ, अगर यूएस गिरेगा तो ये इसको भी तोड़ के कहा जाएगा वो पता नहीं, वो सब तो हो सकता है, लेकिन मैं बस इलेक्शन के लिए हो रहा है कि ये अगर यहाँ तक जाता है देन ये कूल ऑफ होकर यहाँ तक फिर से एक बार आएगा, देन वहां से हो सकता है इवेंचुअली ऊपर जाए नीचे जाए वो मुझे नहीं पता, लेकिन ये वाला मूव अगर होता है तो ये वाला मूव आने का चांसेस है अगर बीजेपी 300 प्लस आता है। वो कहा था कि प्रिसाइज लेवल बता रहा हूँ क्योंकि आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, प्रिसाइज में लेवल अगर बताऊं, प्रिसाइज लेवल मुझे लगता है 52,200 से लेकर, ये वाला जो है 52,200 से लेकर 52,600 तक का ये लेवल है, और रिट्रेस होकर कहाँ तक आ सकता है, रिट्रेस होके आ सकता है आपका ऑलमोस्ट लाइक 49,000 तक, आप फिर से रिट्रेस होके आ सकता है यहाँ से, मतलब फिर से 3,000 पॉइंट का एक फॉल हम लोग को मिल सकता है, रिजल्ट रिजल्ट के बाद कूल ऑफ होके यहाँ तक फिर से ये आ सकता है। ये हो गया अगर बीजेपी को 300 प्लस ओनली बीजेपी को मिले, ठीक है, अगर सिर्फ बीजेपी को 272 प्लस मिले यहाँ ये वाला जोन तक आ सकता है, देन ये रिट्रेस होके कहाँ तक आ सकता है, रिट्रेस होके 45,500 तक ये आ सकता है रिट्रेस होके। आप बोलो इतना आ जाएगा, हाँ इतना आ सकता है रिट्रेस होके, जरूरी नहीं है 100% नहीं है, बट मुझे जितना लग रहा है कि इतना तक तो आना चाहिए रिट्रेस होके, इस लेवल तक आना चाहिए, देन इवेंचुअली वो मार्केट बाद में उसको रिथिंक करेगा, देन वो क्या हो सकता है वो पता नहीं। और नॉर्मली ऊपर अगर सब कुछ सही रहा तो ऊपर जाएगा ही, चाहे कोई भी आए, कोई भी सरकार हो, कोई भी आए ऊपर जाएगा अल्टीमेटली, और तुरंत ही जाएगा, मतलब ऐसा नहीं है कि 4 महीना 5 महीना पड़ा रहेगा, 6 महीना पड़ा रहेगा, साल भर पड़ा रहेगा, ऐसा नहीं होगा, ये तुरंत ही मार्केट उसको रिएक्ट करना स्टार्ट कर देगा, तुरंत ही उसको जो करना है होगा जल्दी जल्दी करके खत्म कर देगा मार्केट, तो ये मुझे लग रहा है, ठीक है, ये मैं सिर्फ बैंक निफ्टी बता रहा हूँ, फिर निफ्टी बताऊंगा। और इसके बाद अगर मान लो सिर्फ एनडीए जीता, बीजेपी को 272 से कम मिला, देन एनडीए अलायंस ही सरकार बनाने में सक्षम हो, तो इस लेवल तक आ सकता है मार्केट, ये वाला जोन तक आ सकता है, ये वाला जोन एग्जैक्टली कहा था कि 43,500 से लेके 42,000, ये वाला जो जोन है 43,500 से लेके 42,000 तक का आ सकता है सिर्फ अगर एनडीए जीता तो। और आ गया तो इसका मतलब ये है क्या, मतलब यहाँ से मार्केट फिर और स्लाइड करेगा या फिर मार्केट बिहेव नहीं, नहीं ऐसा नहीं है, यहाँ पर आएगा एक तुरंत विशेष रिकवरी देगा, क्योंकि ये सिर्फ एक इलेक्शन झटका जो है ये आएगा, उसके बाद मार्केट रीथिंक करेगा कहाँ पर इन्वेस्ट करना वो तुरंत हो जाएगा, आप इसके लिए साल भर टाइम नहीं चाहिए, एक डेढ़ महीना में सब कुछ हो जाएगा, फिर 2 महीना 3 महीना बाद मार्केट अल्टीमेटली पॉजिटिव हो जाएगा अगर सब कुछ ग्लोबल में सब कुछ ठीक ठाक रहा। तो मैं सब कुछ मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आप सिर्फ इलेक्शन को लेकर ही मत सोचो, क्योंकि इलेक्शन एक जस्ट इवेंट है, एक खत्म होगा, मार्केट इसको रिएक्ट करेगा, दैट्स इट, और कुछ नहीं है इसमें, ऐसा नहीं है कि अगर दूसरा पार्टी आ गया तो मार्केट खत्म हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है, ये एक मार्केट एक झटका देगा, प्रॉफिट बुकिंग आएगा, देन फिर मार्केट रिथिंक करेगा, जल्दी जल्दी मार्केट फिर से वो रिकवर हो जाएगा। ये अगर सिर्फ एनडीए का ये वाला जोन पे अगर आता है, बाकी सब ग्लोबल में ठीक रहता है, तो ये वाला पर एकदम भयंकर बाइंग जोन है, यहाँ पर आगे भर भर के खरीदो आप लोग, मतलब बल्क में आप खरीद सकते हो अगर सब कुछ सही है ग्लोबली, सब कुछ सही है तो यहाँ से भर भर के खरीदो, देन यहाँ से फिर से ये भागेगा, ये सब तोड़ उड़ के जाएगा, ये अल्टीमेटली ये पॉजिटिव हो जाएगा बाद में। और अगर इंडिया एयरलाइंस जीता तो, इंडिया एयरलाइंस जीता तो एक बड़ा झटका देगा, एक बड़ा झटका कहाँ तक देगा, प्रिसाइज लेवल अगर बताऊँ 41,000 से लेके 38,500 तक ये देगा, ये मैं वीकली टाइम फ्रेम के लिए बता रहा हूँ, वीकली टाइम फ्रेम में आपको लेके जाता हूँ, वीकली टाइम फ्रेम में आपको तब समझ में आएगा मैं क्या बता रहा हूँ, ठीक है। वीकली टाइम फ्रेम में जो मुझे लगता है ये वाला जो जोन है ना, ये वाला जो आप बोलोगे ये भी है ये भी है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट पीवट है यहाँ पर ये, ये कैसे पता करते कौन सा इंपॉर्टेंट पीवट है कौन सा नहीं, ये माइनर पिवट है, इसलिए मैंने बोला कि ये एनडीए आने से यहाँ तक आएगा, क्योंकि ये माइनर पिवट है तो ये इतना मैटर नहीं करता, ये यहाँ से आके बाउंस करेगा एनडीए आने से। अगर इंडिया एलायंस आया तो यहाँ तक क्यों, क्योंकि ये मेजर पिवट है, इसको ब्रेक करना मतलब समथिंग इज रियली रॉन्ग, मतलब बहुत गंदा कुछ हुआ है तब जाके ये पिवट तोड़ेगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट पिवट्स है। तो ये कैसे पता करते हैं, मैं किसी वीडियो दूसरे वीडियो में बताऊंगा कि ये कैसे पता करते हैं कि ये वाला पीवट इंपॉर्टेंट है, ये वाला क्यों नहीं है, ये वाला क्यों नहीं, ये ही क्यों इंपॉर्टेंट है, मैं आपको ये बाद में किसी वीडियो में आपको बताऊंगा। तो ये वाला जो पीवट है इसको अगर तोड़ेगा तब बहुत मार्केट में मतलब कुछ एक है, मतलब क्रैश टाइप का कुछ है, ग्लोबली बहुत कुछ खराब है, मार्केट इकोनॉमी कुछ खराब हो गया, बहुत कुछ है, तब जाके ये पीवट टूटना चाहिए। तो ये लेवल जो है ये ऐसे ही नहीं बनाया मैंने, क्योंकि ये पिवट को देख के मैं बनाया, और ये वाला एक माइनर पिवट है, तो इसलिए अगर एनडीए जीतता है तो ये माइनर पिवट तक आके जा सकता है।
एकदम ये मतलब ये एकदम लक्ष्मण रेखा, मतलब इसके नीचे गया तो मार्केट खत्म, इसके नीचे अगर गया तो ऐसा हो सकता है कि मतलब बियर मार्केट आ जाए, बहुत बड़ा फॉल आ जाए, फिर धीरे धीरे मार्केट रिकवर करे या फिर तेजी से रिकवर करे, लेकिन बहुत बड़ा एक फॉल तब आप उसको मान सकते हो, और बहुत बड़ा तब यह हो सकता है कि यहाँ पर थोड़ा और नीचे आए और डीप आए, देन मार्केट वहां से इवेंचुअली जाए, ऐसा हो सकता है। तो ये वाला लेवल तोड़ना अभी के लिए बहुत मुश्किल लगता है, कुछ ग्लोबली कुछ जब तक मतलब अनाप शनाप ना हो जाए तब तक नहीं टूटेगा ये लेवल। और इलेक्शन के रीजन से अगर इंडिया अलायंस भी आए तब भी ये लेवल नहीं टूटेगा, क्योंकि अल्टीमेटली अगर इंडिया अलायंस आया तो क्या हुआ, यहाँ पर कुछ दिन ही रुकेगा मैक्सिमम, मतलब मैं बोल रहा हूँ कि यहाँ पर 1 महीना भी नहीं देखेगा, मतलब ये तो आ जाएगा लेवल आपका 1 महीना में, फिर यहाँ से 2-3 महीना में ये फिर से ये लेवल पहुंच जाएगा जहाँ पर अभी है, ऑलमोस्ट वहां तक पहुंच जाएगा, फिर इवेंचुअली हो सकता है इसको ब्रेक भी करे। अभी क्या होगा अगर एनडीए अलायंस, पहले तो एक प्रॉफिट बुकिंग आएगा बहुत सारे स्टॉक्स में से, जैसे पीएसयू हो गया, फिर अदानी हो गया, ऐसा बहुत सारा जो जो भी है, मैं ज्यादा कमेंट नहीं करना चाहता, लेकिन उस समय प्रॉफिट बुकिंग आएगा और मार्केट में एक प्रॉफिट बुकिंग आएगा, मार्केट रीथिंक करेगा, क्या देखेगा कि ये सरकार क्या बजट बना रहा है, इंडिया अलायंस क्या बजट बना रहा है, कौन से में कौन सा सेक्टर में फोकस है, कौन सा सेक्टर में क्या है, तब वो सब सेक्टर भागेंगे, और जो सेक्टर अभी इस गवर्नमेंट का है वो सेक्टर थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग आएगा ज्यादा, और जो बाद में जो सेक्टर जो डिस्कस होगा जो बजट में जो आएगा वो सब सेक्टर में फिर रन अप आएगा, देन सेक्टर टर्निंग होगा, दैट्स इट, और कुछ नहीं, और मार्केट इवेंचुअली वही जाएगा। अगर आपको इंडिया की ग्रोथ स्टोरी में बिलीव है देन वो आपको मिलेगा ही मिलेगा, वो आपको रन मिलेगा ही मिलेगा, बुल रन मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन वो आपको देखना पड़ेगा कि सेक्टर में रोटेशन आएगा, तो वही है। और बहुत लोग एक चीज और मैं ऐड कर, बहुत लोग बहुत कुछ बोलते हैं कि लाइक निफ्टी 10 साल में 70,000, 75,000, 80,000 पहुंच जाएगा 2035 में या 34 में, वट एवर, वो लोग ऐसा बहुत लोग बोलते हैं, लेकिन वो लोग मतलब ये बोलने से पहले लोग सोचते नहीं है कि रियली लाइक ऐसा होता है क्या मार्केट। आई डोंट नो लाइक उन लोगों का व्यूज गेन करना है ना क्या करना है, आई डोंट नो, बट अगर मुझसे कोई पूछे कि निफ्टी अगले 10 साल में क्या लगता है क्या होगा, मुझे नहीं पता, मुझे मुझे आई एम ऑनेस्टली स्पीकिंग नहीं पता। अगर मान लो बहुत ज़्यादा इकोनॉमी अच्छा कर गया हम लोग का देश, बहुत अच्छा कर गया, बहुत अच्छा कर गया, एक्स्ट्राऑर्डिनरी कर गया, फिर भी मुझे नहीं लग रहा 50,000 क्रॉस करेगा अगले 10 साल में। देखो मार्केट एक लेवल के ग्रो के बाद ना मार्केट में उतना ग्रो नहीं होता जितना दिखता है। अभी यूएस तब तो डाउ जोन्स अभी 3 लाख 4 लाख हो जाना चाहिए था उस हिसाब से, तो है ना, आप जाके खुद देख लो डाउ जोन्स क्यों अभी 38,000 40,000 में पड़ा हो, उसको 3-4 लाख होना हो जाना चाहिए था, लेकिन क्यों नहीं हो रहा, क्योंकि एक लेवल के बाद मार्केट मतलब स्टॉक मार्केट स्पेशली इकोनॉमी ग्रो करेगा, स्टॉक मार्केट स्पेशली उतना ग्रो नहीं करता, एक लेवल के बाद उतना ह्यूज अमाउंट में ग्रो नहीं करता। हाँ 10 साल में इंडिया बहुत अच्छा कर गया था, 50,000 55,000 निफ्टी पहुंच सकता है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन 80,000 90,000 कोई कोई तो 1 लाख भी बोल रहा है अगले 10 साल में 1 लाख तक पहुंच जाएगा निफ्टी, लाइक मेरे लिए वो और सेंसेक्स का 2.5 लाख 3 लाख का भी लेवल बता रहा है, आई डोंट नो, बट आई डोंट नो मतलब कि मुझे नहीं लगता नहीं होगा, नहीं होगा इतना तो नहीं होगा कि लाइक निफ्टी आपका पहुंच जाएगा 80,000 1 लाख 90,000 ऐसा, मतलब अगले 10 साल में नहीं होगा, मतलब मैं इंडिया की ग्रोथ स्टोरी में मैं ऐसा नहीं है कि मुझे इंडिया में बिलीव नहीं, इंडिया करेगा अच्छा करेगा इंडिया, मैं बार बार बोल रहा हूँ, लेकिन इतना मूव इतना लाइक स्टॉक मार्केट ऐसा भागना दैट इज लाइक बहुत परेशानी वाली बात है, और लाइक ऐसा होगा नहीं, तो ये एक ना होप गेम चल रहा है मार्केट में, तो वो सबसे आप थोड़ा दूर रहना, आप लोग थोड़ा सा उससे दूर रह के साइलेंट में रह के आपको जो करना जहाँ इन्वेस्ट करना है उस हिसाब से सोच के इन्वेस्ट करो। 17,000 पहुंच जाएगा मैं इन्वेस्ट कर देता हूँ आज, मत करो बुरा फंसो के मार्केट में, अभी तक वो सब साइकिल देखा ही नहीं बहुत लोगों ने कि 2 साल तक मार्केट एक ही रेंज में पड़ा रहता है, तो ठीक है जो भी है। तो अभी हम लोग ने बैंक निफ्टी देख लिया, अभी निफ्टी देखते हैं, वो सब सारे निफ्टी में डिस्कस करते हैं क्या क्या दिख रहा है मुझे। निफ्टी में भी सेम है, निफ्टी का मैं देखता तो हूँ पहले, हम लोग सब कुछ एक एक करके बात करेंगे। अगर बीजेपी 300 प्लस हुआ तो ये वाला जोन रिट्रेसमेंट लेवल 22,500 तक आ सकता है फिर से, और कहाँ तक जाएगा 23,800 से 24,000, ये सब मैक्सिमम लेवल जो मैं बैंक निफ्टी में दिया, ये मैक्सिमम लेवल है, मैंने लास्ट वीडियो में बताया था, आप लास्ट वीडियो जाके देख लेना, मैं बताया था कि बीजेपी शायद बीजेपी अगर 4,000 प्लस भी सीट लेके आएगा तो भी मुझे एक लेवल लग रहा है, मैंने जब बताया था उस वीडियो में जाके देख लेना कि 24,500 से ज़्यादा मुझे दिख ही नहीं रहा है एट एनी कॉस्ट, मतलब कुछ भी हो जाए
फिर भी मुझे नहीं दिख रहा है 24,500 से ज्यादा। तो अब सोचो आप लोग जो इतना बोली है बीजेपी आने से ऐसा हो जाएगा, क्या क्या बोल रहा है, लाइक जस्ट लाइक रविश जो मार्केट में चल रहा है ना उससे आप थोड़ा सा बच के रहो। तो ये मैक्सिमम लेवल है 23,800 से 24,000 लेवल, ये वाला जोन मैक्सिमम लेवल है अगर बीजेपी 300 प्लस आया तो। रिट्रेस कहाँ तक हो सकता है 22,500 तक, और अगर बीजेपी जस्ट 272 प्लस सीट लाया देन आपका जो प्रिसाइज लेवल है 23,200 से लेके 23,300 तक, ये वाला लेवल आ सकता है। और ये 3-4-5 जून तक ही आ जाएगा ये लेवल आने से, मतलब फटाफट मूव आएगा, देन रिट्रेस भी 21,500 तक रिट्रेस हो सकता है। ये प्रॉफिट बुकिंग आना ही है इलेक्शन के बाद, चाहे कोई भी पार्टी हो कुछ भी हो प्रॉफिट बुकिंग आना ही है। अगर एनडीए जीतता है तो, एनडीए जीतता है तो ये वाला लेवल तक हम लोग को मार्केट दिख सकता है। कहाँ तक, प्रिसाइज लेवल 19,500 से लेके 18,500 तक, 18,800 तक, सॉरी 18,800 तक, 19,500 से लेके 18,800 तक का लेवल हम लोग को देखने को मिल सकता है। और अगर इंडिया एयरलाइन जीते तो, इंडिया एयरलाइन जीते तो आपका जो मतलब ओट्स लेवल है 18,000 से लेके 16,800 तक। मैं ये भी की बता रहा हूँ, ये भी उस पिवट के कमाल है, वो उस पिवट से मार्केट मुझे नहीं लगता और नीचे मतलब जाना चाहिए। ये वाला जो पिवट है, ये मेन पिवट है, ये वाला मतलब एकदम भयंकर वाला इंपॉर्टेंट पिवट है ये 16,800 का। इसको तोड़ा तो मार्केट फिर मतलब अलग लेवल का हो जाएगा। आप सोचोगे कि ये वाला पिवट है क्योंकि इसमें बहुत सारा सपोर्ट आया, देन ये मतलब बहुत टाइम स्पेंड करके इसको तोड़ा तो ये वाला पिवट हो जाना चाहिए इस अपने हिसाब से, लेकिन नहीं है। इसमें बहुत गेम है, आप लोगों को समझ में इसलिए नहीं आता, आप लोग जब सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ करते हो कि हाँ ये वाला सपोर्ट है, मतलब ये वाला रेजिस्टेंस था इसको तोड़ के अभी गया तो अभी ये वाला मेजर पिवट हो गया। ये मेजर पिवट ही है लेकिन उतना मेजर नहीं। अगर एकदम सबसे खतरनाक वाला पर यहाँ पर अगर कोई पिवट है तो ये वाला है। आप बोलोगे क्यों, तो वो मैं बाद में किसी वीडियो में बताऊंगा। ये वाला सबसे खतरनाक वाला पिवट, अगर कोई अगर मान लो ट्रेड मतलब कोई अगर इसको ट्रेड करता, मान लो मैं यहाँ पर अगर बाय करता तो मेरा इनिशियल स्टॉप लॉस ये हो जाता, ठीक है। फिर अभी ये अगर स्टॉप लॉस मेरा ऑब्वियसली यही रहेगा, या फिर अभी अगर मैं मान लो इसको बाय करते रहते कोई स्टॉक है मान लो, तो मेरा अभी अभी मेरा स्टॉप लॉस कहाँ होगा, मेरा स्टॉप लॉस यहाँ इस आसपास होगा क्योंकि मैं अपना प्रॉफिट तो लूज नहीं करना चाहता ना, प्रॉफिट तो लूज नहीं करना, तो मेरा यहाँ पर स्टॉप लॉस यहाँ के आसपास कहीं पर होगा, ये ब्रेक करेगा मैं प्रॉफिट बुक कर लूंगा। नॉर्मली ये होता है, लेकिन अगर आपको वो समझना पड़ेगा कि इसका कहाँ पे बट, अगर लोग अभी यहाँ पर बाय करेगा, कोई मान लो कि मार्केट गिर रहा है तो लोग यहाँ पर बाय करेगा क्योंकि ये रेजिस्टेंस था इसको तोड़ा देन यहाँ पर फिर सपोर्ट लेके गया तो ये मान लोग यहाँ पर बाय करना शुरू करेगा। जब इससे भी थोड़ा डीप दे देगा ना लोग डर के भाग जाएगा क्योंकि अरे, लेकिन वो लोग ये नहीं सोचेंगे ये वाला मेजर पिवट है। और जब वो लोग भागेंगे तो ऐसा क्यों होता है ना कि आप जस्ट बेच के निकल तो मार्केट भागता है, तो ये थोड़ा सा एक दो कैंडल यहाँ तक आएगा देन फिर से भागेगा। तो आपको इसलिए आपको अब लोग ऐसा लगता है कि अरे मैं जहाँ से खरीदता हूँ मार्केट में थोड़ा सा डीप देके फिर भाग जाता है, ऐसा क्यों होता है, क्योंकि मेजर पिवट कौन सा है, माइनर पिवट कौन सा है, ये एकदम माइनर पिवट नहीं, इसलिए मैं बोला क्योंकि ये भी एनडीए जीतेगा तभी यहाँ पर आएगा, ये अगर इंडिया जीतेगा तब यहाँ तक आ सकता है, ठीक है। तो इसलिए आपको समझना पड़ेगा कौन सा मेजर पिवट है कौन सा माइनर पिवट है। तो अगर एनडीए जीता तो कहाँ तक आएगा, एनडीए जीता तो कहाँ तक आएगा मैं बता दिया, 18,000 से लेकर 16,800 तक आ सकता है। तो ये सब चीज़ हम लोग ने डिस्कस कर ली, ये सारा पॉइंट हम लोग का कवर हो गया, ये सारा पॉइंट हम लोग का कवर हो गया, ठीक। अभी इसमें मेरा क्या ओपिनियन है, देखो अभी इसको मेरा ओपिनियन क्या, इसको कोई ना जस्ट ऐसा ना समझे कि मैं किसी पार्टी को सपोर्ट कर रहा हूँ या फिर मैं किसी को सपोर्ट कर रहा हूँ, क्योंकि मैं जो ग्राउंड रियलिटी बता रहा हूँ ये मैं किसी के खिलाफ नहीं हूँ, किसी का सपोर्ट में नहीं हूँ, मेरा काम है मैं खुद का काम करके बस हो गया, मुझे और नहीं देखना। लेकिन मुझे क्या लग रहा है, मुझे लग रहा है मतलब जो क्या होगा, ये सरकार हो सकता है, एनडीए सरकार हो सकता है, या फिर हंग असेंबली हो सकता है। हंग असेंबली मतलब एनडीए भी कंप्लीट नहीं कर पा रहा है, उसको बाहर से कुछ सीट्स लेना पड़ रहा है दूसरे पार्टी से जो एनडीए के अंडर नहीं है, उसके अलावा भी सीट लेना। मुझे लगता है बीजेपी को 220 से लेकर 255 तक सीट मिल सकता है बीजेपी को। तो इसमें चांसेस है कि एनडीए का सरकार बन जाए या फिर हंग असेंबली हो जाए। मैं मेन स्ट्रीम मीडिया का एग्जिट पोल में मैं बिलीव नहीं करता, एग्जिट पोल चल रहा है अभी लेकिन मैं इसको बिलीव नहीं करता, उसका एग्जिट पोल अलग है, वो तो उसमें तो पता नहीं जो भी होगा मैं उसे बिलीव नहीं करता। मैं मेरा जो खुद का ऐसे ही मैं थोड़ा सा देखा होगा, जो आर्टिकल वर्टिकल पढ़ा थोड़ा सा उनसे मैं बता रहा हूँ कि एनडीए मतलब जीत सकता है या फिर हंग असेंबली हो सकता है, ये मेरा टेक है, ये मेरा पर्सनल टेक है। 220 से लेकर 255 तक मुझे लगता है बीजेपी को सीट्स मिलना चाहिए।
अच्छा अभी आप बोलोगे कि ठीक है आपको ये लग रहा है, तो यहां तक आने से मार्केट अभी क्या होगा, यहाँ का मार आ गया तो क्या होगा? कुछ नहीं होगा, फिर बाउंस करेगा, तुरंत बाउंस करेगा, इमीडिएट बाउंस करेगा, क्योंकि ये एक जस्ट रिएक्शन होगा, ये कोई वैसा नहीं होगा कि मार्केट यहां से खत्म हो जाएगा, एक रिएक्शन होगा, फिर मार्केट रिथिंक करेगा कहाँ इन्वेस्ट करना है कहाँ नहीं करना है, क्योंकि बाद में एक अलग सरकार बनेगा, इसमें इन लोगों का डिसीजन पावर इतना नहीं रहेगा, लाइक रहेगा लेकिन ये लोग कुछ चेंज नहीं कर सकता है, क्योंकि तब इंडिया अलायंस आके रोकेगा, बहुत कुछ होगा। और मुझे लगता है एक डेमोक्रेसी में एक स्ट्रांग अपोजिशन होना जरूरी है, तभी जाके सही होता है। और कोलिशन गवर्नमेंट में, मैं जितना देखा कोलिशन गवर्नमेंट में लोगों के लिए अच्छा होता है, लोगों के फेवर में काम ज़्यादा अच्छा होता है, और किसी पार्टी अगर मेजोरिटी बहुत ज़्यादा हो जाता है तो लोगों के लिए अच्छा नहीं होता है, किसी एक पर्टिकुलर सेगमेंट के लिए अच्छा होता है, लेकिन जो नॉर्मल लोग हैं, जो आम आदमी है, उन लोगों के लिए इतना अच्छा नहीं होता, लेकिन कोलिशन गवर्नमेंट मुझे लगता है आम आदमी के लिए बहुत अच्छा गवर्नमेंट होता है, तो हम लोग आम आदमी, हम लोग के लिए कोलिशन गवर्नमेंट ही हम लोग प्रीफर करते हैं, मेरे हिसाब से तो प्रीफर होना चाहिए सबको ही कोलिशन गवर्नमेंट, चाहे कोई भी हो, चाहे एनडीए हो, चाहे इंडिया हो, वट एवर, लेकिन कोलिशन गवर्नमेंट होना चाहिए, ताकि उसमें ज़्यादा कोई कोई मगजमारी ना कर पाए। तो अगर एनडीए जीता तो यहाँ तक मार्केट आ सकता है, कहाँ तक बोला था, एनडीए जीतने से 19,500 से लेकर 18,800 तक, तो मार्केट खत्म हो जाए, यहाँ पर ग्रेट 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 बाइंग अपॉर्चुनिटी होगा, ग्रेट 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 बाइंग अपॉर्चुनिटी होगा। अगर आप मुझसे पूछोगे अगर मैं क्या करूँगा, मान लो एनडीए जीता तो मैं क्या करूँगा, देखो एनडीए जीता तो मैं क्या करेगा, मैं पहले करेगा क्या, इस जोन के आसपास थोड़ा बाय करेगा, थोड़ा सा मान लो कुछ भी, एकदम लॉन्ग टर्म के लिए 2-3 साल के लिए इस जोन के आसपास कहीं पर थोड़ा सा बाय करेगा, 21,000 के आसपास थोड़ा सा बाय करेगा, मैं मान लो 30% जैसा बाय करेगा, फिर बाय करेगा मैं 20,000 के आसपास थोड़ा सा, 20,500 यहाँ पर थोड़ा सा 30% और बाय करेगा, फिर यहाँ पर बाय करेगा और मैं, मेरा इस लेवल पे और इस लेवल पे थोड़ा थोड़ा बाय होगा, देन मैं इस लेवल पे कहीं पर बाय करूंगा, और मेरा स्टॉप लॉस एकदम सिंपल है 16,800, तो थोड़ा सा नीचे 16,500 यहाँ तक हो सकता है, हो सकता है मैं निफ्टी 20 बाई करूँ ग्रेट चंक्स में, या फिर मैं दूसरा कुछ बाई करूँ ग्रेट चंक्स में, या स्टॉक्स बाई करूँ, लेकिन मैं इन 3-4 हिस्सों में बाई करना शुरू कर दूंगा, ये लॉन्ग टर्म के लिए 2-3 साल के लिए, यहाँ पर मैं पहले बता रहा हूँ इस जोन पर और इस जोन पर, ठीक है, फिर मैं बैठा रहूंगा, मैं वेट करूंगा, 19,500 टूटता है मैं निकल जाऊंगा, और मोस्टली मैं शायद 20 में ही बाई करूंगा, मोस्टली मेरा जो प्रेफरेबल इन्वेस्टमेंट लॉन्ग टर्म के लिए, मैं स्टॉक्स में लॉन्ग टर्म के लिए नहीं करता हूँ, मैं लॉन्ग टर्म का बात कर रहा हूँ, मैं तो बाकी तो स्टॉक्स में तो मैं स्विंग करता हूँ, पोजिशनल करता हूँ 2-3 महीना 4 महीना मैक्सिमम, लेकिन मैं 20 में लॉन्ग टर्म रहता हूँ, तो 20 में यहाँ पर बाई करना पसंद करूंगा, मैं ये लेवल बता दिए, मेरा ओपिनियन है, मेरा ये चीज़ है। तो अभी व्हाट शुड वी डू, तो मैं जो ये बता रहा था इसमें क्या कर सकते हैं हम लोग, अगर मार्केट ऐसा होता है तो सब में बात कर लिया हम लोग ने, अभी मेरा वाला मैं अगर एनडी जीता तो क्या कर सकता हूँ, कुछ सेक्टर से मार्केट का ध्यान हटेगा, पीएसयूज में प्रॉफिट बुकिंग आएगा, अदानी से थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग आएगा, ऐसा कुछ होगा, सेक्टर थोड़ा सा चर्निंग होगा, हम लोगों को डरना नहीं है, कोई भी आए अगर इन्वेस्टेड हो, अगर मैं पहले ही बता रहा अगर इन्वेस्टेड हो तो रहो, अगर एसआईपी कर रहे हो तो जो बोलता है कट डाउन प्रोसेस में होता है, या फिर जो भी है पता नहीं स्टेप डाउन ना कट डाउन बोलता है वट एवर, लेकिन आप उसका अमाउंट कम कर दो, सिंपल लैंग्वेज में 10,000 कर रहे थे 7,000 करो, इस लेवल तक जब आएगा इसके आसपास आएगा तब आप उसको 10,000 का 15,000 कर दो, जो बचेगा 3-3 हज़ार या 13,000 कर दो, तो ऐसा आप कर सकते हो, तब आप धीरे धीरे उसको बढ़ा सकते हो, तो ऐसे मैं फिलहाल करूंगा, और यही करना चाहिए हम लोगों को, कोई भी सरकार आए डोंट वरी अबाउट इट, डरो मत कि क्या होगा नहीं होगा, मार्केट कुछ नहीं होगा, मार्केट में एक नीचे करेक्शन आएगा, अगर इंडिया भी आता है, इंडिया अलायंस भी आता है मार्केट यहाँ आने से भी, अगर मार्केट यहाँ आता है, यहाँ पर आना जरूरी नहीं है 100% नहीं है कि यहाँ आएगा, मैं बोल रहा हूँ ये वर्स्ट केस सिनारियो में आ सकता है, मतलब एनडीए जीता, इंडिया जीता तो वर्स्ट केस में यहाँ तक आएगा, वर्स्ट केस में फिर जाएगा, लेकिन ये आने से खत्म नहीं यार, यहाँ से भयंकर बाउंस करेगा, बहुत जल्दी बाउंस करेगा, वो बाउंस आपका हाथ में नहीं आएगा, मैं बता रहा हूँ हाथ में नहीं आएगा, आपको लगेगा नहीं एक रेड कैंडल बनाने दो मैं बाय कर लूंगा, रेड बनेगा ही नहीं, वीकली में तो बनेगा ही नहीं, ऐसा हो जाएगा, मंथली में तो और नहीं बनेगा, डेली में बन सकता है, तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ रहो इन्वेस्टर, कोई दिक्कत नहीं है, और आएगा लेवल आएगा, और इंडिया जीता तब भी मैं तो करूंगा चंक्स चंक्स में खरीदता रहूंगा, मैं यहाँ पर थोड़ा खरीदूंगा, फिर यहाँ पर थोड़ा और खरीदूंगा, यहाँ पर थोड़ा और, मैं तब
चार पांच हिस्सा कर लूंगा, तब मैं 15-15% का चार पांच हिस्सा कर लूंगा, 15-20% चार पांच हिस्सा, यहाँ पर थोड़ा कर दूंगा, यहाँ पर थोड़ा, ऐसा करके मैं खरीदता रहूंगा। मैं रुकूंगा नहीं, मैं खरीदूंगा, क्योंकि मुझे पता है कि मार्केट, मुझे लग रहा है, पता नहीं है, मुझे लग रहा है मार्केट जो भी होगा मार्केट भागेगा ऊपर ही, क्योंकि इंडिया के ग्रोथ स्टोरी पे मुझे बिलीव है, आप लोग भी होना चाहिए। सरकार कोई भी आए, इंडिया का ग्रोथ नहीं रोक सकता और इंडिया का ग्रोथ रुकना भी नहीं चाहिए और रुकेगा भी नहीं। इसलिए आपको वो भरोसा होना पड़ेगा, आपको खुद के ऊपर भरोसा होना पड़ेगा, हवाबाजी मत जाओ, मतलब, और टेलीग्राम से तो दूर रहो, मैं पहले बता रहा हूँ, टेलीग्राम से दूर रहो, कि आपने एक पोजीशन लेके रखा है, आपका पोजीशन में अच्छा प्रॉफिट चल रहा है, आपने बियरिश हो बुलिश हो कुछ भी पोजीशन लेके रखा है, प्रॉफिट अच्छा चल रहा है, आपने मान लो बुलिश पोजीशन लेके रखा है, कोई आपने टेलीग्राम खोला, किसी एक्सपर्ट ने बोला, सो कॉल्ड एक्सपर्ट जो भी है, यहाँ से मुझे लग रहा है मार्केट अभी थोड़ा करेक्ट करेगा, FIs का पोजीशन बहुत ही एग्रेसिव बेयरिश है, ऐसा कुछ भी, आप क्या सोचोगे, अरे मेरा तो प्रॉफिट चल रहा है, मैं बुक कर देता हूँ। आप बुक करोगे फिर मार्केट भागेगा आपके डिसीजन, आपको लगेगा यार मैं 10,000 में बुक कर लिया, वो रहता तो मेरा 50,000, आपका प्रडिक्शन सही था, आपका प्रॉबिलिटी जो चांसेस था आपका वो सही था, आपने जो एनालाइज किया था वो सही था, लेकिन आप उसके मैसेज के चक्कर में आपका 40,000 का नुकसान हो गया। फिर आप नेक्स्ट डे सेम करोगे, फिर नेक्स्ट डे आप क्या करोगे, आपको लग रहा है मार्केट अभी यहाँ से गिरेगा, फिर भी आप पोजिशन होल्ड करके बैठोगे, लेकिन उस दिन भी वो बता रहा है कि मार्केट आज बियरिश हो जाएगा, होना चाहिए बियरिश, ऐसा होगा, लेकिन आप फिर भी बोला इसके बात नहीं सुनेगा मैं, क्यों, आपका आपका खुद का भी माइंड बोल रहा है, उसका भी माइंड, उसका भी मैसेज में आपका वही बोल रहा है, लेकिन आप फिर भी नहीं करोगे। इसलिए सबसे बेटर है इससे दूर, सबसे बेटर क्या है, इससे दूर रहो, नो टेलीग्राम कुछ नहीं, इससे दूर रहो। और अगर किसी को आप फॉलो करते तो उसी को ही फॉलो करो, उसका हिसाब से चलो, 10 चैनल को मत जाओ कि इसको भी देख लिया, उसको भी देख लिया, ये बोल रहा है, ये बोल रहा है, ऐसा मत करो, किसी एक चैनल को करने से करो, उसका व्यू देखो, उसका व्यू के साथ आपका व्यू मैच होता है क्या, तब जाके ठीक है। तो आपको समझ में आया सब कुछ पॉइंट्स, तो आई होप आपको वीडियो पसंद आएगा, वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक एंड शेयर फ्रेंड्स, अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, शुक्रिया, और अपना ख्याल रखना, और हाँ इलेक्शंस में अच्छे से ट्रेड करना, ज़्यादा हड़बड़ी नहीं, कुछ नहीं, कूल माइंड हो गए ट्रेड करना, ठीक है, चलो बाय।